He's one of the finest that I've come across, charcoal. Lady Rupali, her cheese mein masti hai. Sculpting ho, painting ho, installations ho, interior ho, exterior ho, village banana ho, bachchon ko help karna ho, NGO bhi, aapke NGO bhi hai na ma'am? Kya naam hai? Era. So I think it's a good thing that all these things are taught in the village. I want to teach them. And you guys are doing this. So the reason we all are here today, because we respect their work. Besides respecting the work, काम से ज़्यादा सिखाना गांव के बच्चों को ये आर्ट बहुत बड़ा है. समझा ना ब्रो? क्या बोलता है, बच्चे लोगों को घर पे सिखाए तो क्या बड़ी बात है ना, आपके गांव में समझ जाओ, है ना? तो ये रूपाली जी हैं, गौतम हैं, बाकी वी आई हैं. थैंक यू दादा. आपको कितना इंटरेस्ट है आर्ट में, पेंटिंग्स में? अगर कोई मेमोरीज हो बचपन की अगर शेयर करना चाहते. बहुत सारे हैं. वो चिड़िया और वो अपन तो सब लोग ने बनाए हैं. आप लोग ने बनाए, आप देखने वाले ने बनाए, उससे पहाड़ बनाए, चांद देखा, वही नॉर्मल ऐसा. और ऊपर वो चिड़िया, सूर्य, मगर अच्छी चीजें देखते थे अपन लोग. सूर्य दिखता था, पहाड़ दिखता था, नेचर दिखता था, वही देखने के लिए अभी भी भाग रहे जो बचपन में सीखा था. असीम फ्रॉम विलेज, गांव की कहानी, गांव की कहानी होती है दोस्त. शहर में ले लो जितना मजा कर रहे, मगर फिर गांव ही. जय किसान तो जय जवान. फ्लावर वावर के बारे में कुछ नहीं, खाली याद रखना बीड़ू जितना झाड़ उगा सकते हुआ पकाएंगा नहीं. बोल बोल के इतना थक गया कि उन लोग के कान से झाड़ निकल रहे. मगर लगा जितना लगा सकता लगा, है ना? बराबर की नहीं? माँ अपने बच्चे लोग को बोलना जाके, और बच्चा पैदा करने से पहले खून तपासना थैलेसीमिया के लिए. ये तो हर 15 दिन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, समझा? पहले ब्लड आप कुंडली भी चेक कर लो और थैलेसीमिया के लिए ब्लड भी चेक कर. भाई मेरे को माइनर है क्या, इनको माइनर है क्या, हम लोग की शादी होगी तो मेजर हो जाएगा बच्चा, ऐसा बोलते हैं. तो ध्यान रखो, बच्चा पैदा हो तो ये सब यहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी बोल दिया. तुम लोग तुम ये बोल रहे हो तो मैं ही बोल रहा हूँ. मैं तो बोलते रहूँगा और तुम मेरे को पूछ रहे हो. रूपाली जी के बारे में बात कर, बच्चे लोगों को सिखा रहे उसकी बात कर, मेरे को कितना सुनेगा भाई? आप पॉटर नहीं करते हो. रूपाली जी दादा यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? दादा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा. सी आई एम स्कल्प्टर. दादा के साथ पिछले 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं. दादा हर एक एग्जीबिशन में हमको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं. उनके साथ साथ दादा बहुत क्रिएटिव है. अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग एंड ऑल, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, इसीलिए हमारे साथ. सो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं. आज का विषय भी वही है. वुड में मैंने स्कल्पचर्स किए हैं और कोयले में, चारकोल में गौतम ने पेंटिंग्स बनाए हैं. सो दादा इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग अस. दादा के साथ साथ नितिन जी देसाई आए हैं यहाँ पे, जिनका एंट्री स्टूडियो है. विनोद तावड़े सर आए हैं. तो दे आर ऑल वेल विशर्स फॉर अस. दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर फैमिली. सो गौतम, चारकोल टू वुड का कॉन्सेप्ट पता ना? चारकोल और आप लोग जो फ्यूजन कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताओ, ताकि पता चले आप लोगों ने क्या किया. बेसिकली 2 साल से सभी गैलरीज बंद थे. 2 साल से नो आर्ट वर्क. कोविड के वजह से हम लोग घर पे ही थे और अभी 3-4 महीने हो गए हैं कि गैलरीज ओपन हो गई है. तो हम दोनों भी आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट का जर्नी हमारा पिछले कई साल से एक साथ चल रहा है और ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन है जो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं. सो द नेम इज़ द रूट कॉज. और हम लोगों ने करजत में विलेज एक आर्ट स्टूडियो बनाया है और जो जो नेचर से रिलेटेड है, तो वुड भी एक, लकड़ी भी एक पार्ट है. हम लोग दादा से इंस्पायर होके हम लोग बहुत पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बहुत गाँव में काम कर रहे हैं. सो उसका प्रतीक आपको हर एक पेंटिंग में दिखाई देगा, मेरे काम में भी दिखाई देगा. उसके साथ साथ हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, अभी सेल्फलेस काम करना है, वही है. हर एक आर्ट के साथ कैप्शन भी दिया हुआ है, उसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे? कैप्शन दिया है, वो हर एक ने अपने हिसाब से लेना है वो कैप्शन को. मैंने मेरा थोड़ा सा उसमें ये किया है, एक्सप्रेस किया है मेरे भाव. तो आप वो पढ़ के थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले, वो इच्छा है. मगर इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ब्यूटी इंस्पायर्ड है. आपको ये जैसे आपने कहा दही दादा से इंस्पिरेशन मिला, बट बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस हैं. कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है? सर को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? प्लीज सर.
My interest is that we should create something which people should like, you know? Okay. People should enjoy. So you like beauty? Yeah, of course. You see like beauty in everything. So everybody, you know what, people should enjoy. If it is on the wall, people should enjoy it on the wall. Not unless doing ugly things, this makes no sense, you know? People are paying, people are buying things. And people are putting on the walls, so they should see all of their life, you know? I think while looking at the paintings and looking at the sculpture, I see that I'm taking back a smile, a memory back home. When you take back beauty back home, it is most pleasurable thing that you can have. And thank you so much for calling me. It is one of the best things that I've seen. You are one of the artworks here. Oh, thank you. I wish you can draw me. We'll do that. Thank you so much. Thank you so much.